बस बेटा थोड़ा सा खा लेना और। अस्सलामुअलैकुम। थैंक गॉड आप ठीक हैं आंटी। शिजा ने तो मुझे इतना परेशान कर दिया था, पता नहीं क्या कुछ उसने आपकी हेल्थ के बारे में कह दिया था। ऑफिस जाने के बजाय मैं तो सीधी यहाँ आ गई आपके पास। हाँ बेटा, बहुत छोटा सा दिल है उसका, जरा जरा सी बात पे परेशान हो जाती है। लेकिन परेशान होने की तो बात है ना आंटी, और इसकी वजह आप हैं। आप ही क्यों, मैंने क्या किया? हर वक्त सैड सी शक्ल बना के आप आंटी के सामने फिरती रहती हैं, उसी की वजह से आंटी को टेंशन हुई है और वो दिल पकड़े अस्पताल पहुंच गई। उसके साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद कौन खुश रह सकता है बेटा? नहीं, मैं आपके साथ एग्री नहीं करती हूँ आंटी। जो भी हुआ है इनके साथ, आपको शुक्र करना चाहिए कि आपके सामने सही सलामत बैठी हुई है। आपको पता है कि सी व्यू पे आज एक लड़की की डेड बॉडी मिली थी ना, बुरा किया दरिंदों ने उसके साथ। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो कुछ हुआ उसे भूल जाएं और मूव ऑन करें। और अगर हमजा भाई एक्सेप्ट नहीं करते तो इग्नोर करें उन्हें। तुम जिसे इग्नोर करने के लिए कह रही हो ना, वो हमजा है। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ लेकिन हमजा को नहीं भूल सकती। भूलने को कौन कह रहा है आप ही? मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि जो आपके साथ हादसा हुआ है उसके ऊपर रोने के बजाय अपने आंसू पोंछे और अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आए। दुनिया में बहुत सारे गम है मोहब्बत के अलावा, इतने सारे पेशेंट आपका इंतजार कर रहे हैं। आप यकीन करें, जैसे ही आप अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आएंगी तो आंटी का स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, बिलीव मी। सही कह रही है ना, मेरा भी ये ख्याल है। तुम्हें अस्पताल पर से ज्वाइन कर लेना चाहिए बेटा।